अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर किसी आदमी से आप लोगों को वीसा लेना है या तो किसी बंदा ने आपको ऑनलाइन पे ऑफर किया है कि मेरे पास ये वीसा है वो वीसा है, आपको वीसा लेने का पहले जो करना है उनके जो कार्ड है कार्ड ले लो, उनके कार्ड पे लाइसेंस नंबर रहते हैं, उसी लाइसेंस नंबर से आप लोग चेक कर सकते हैं उनके एजेंसी का जो स्टेटस है, वो स्टेटस आप लोग अभी चेक कर सकते हैं। जैसे कि उनके जो एजेंसी है एजेंसी में कि फेक है या ओरिजिनल है या तो एक्सपायर हो गया है, ऐसा चेक करने के बाद में आप लोग उनसे वीसा ले लो। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम लोग लाइसेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पेज आप लोग देख रहे हैं इसका जो लिंक है मैंने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जस्ट आप लोग क्लिक करेगा, जैसे कि आप लोग क्लिक करेगा ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाके ये जो देख रहा है यहाँ पे जाके आपने जो लाइसेंस नंबर है वो टाइपिंग करना है। टाइपिंग करने के बाद में यहाँ पे जो है सर्च OOP यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों का देख रहा है ऐसा कोई इंटरफेस मिलेगा जो इसमें लिखा है नो OEP फाउंड इन द डाटाबेस। दैट मीन्स ये जो लाइसेंस नंबर मैंने चेक किया है ये पूरा फेक है, इसमें कुछ नहीं है। तो फिर अभी आप लोगों का मैंने दूसरा कोई लाइसेंस नंबर चेक करके देखाता हूँ, जैसे कि ओरिजिनल है या एक्सपायर हो गया, वो भी आप लोगों का मैंने चेक करके देखाता हूँ। देखते हैं ये जो नंबर है मैंने टाइप किया है, टाइप करने के बाद में यहाँ पे फिर जैसे पहले किया है सार्स OEP इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे चले जाइए, चलने के बाद में यहाँ पे देखते हैं कि लाइसेंस नंबर आ गया, प्रॉपर्टीज नेम आ गया, फिर लाइसेंस का जो टाइटल है वो भी आ गया। आने के बाद में यहाँ पे जो स्टेटस है आप लोग देख रहे हैं एक्सपायर लिखा है, दैट मीन्स ये जो हमारे एजेंसी है ये एजेंसी एक्सपायर हो गया। और जो बेल्ट होगा वो किस तरह होगा वो भी मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी जैसे कि ये टाइप किया है मैंने, टाइपिंग करने के बाद में यहाँ पे फिर सर्च पे क्लिक करते हूँ। करने के बाद में यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है इसका इधर फिर लाइसेंस नंबर आ गया, प्रॉपर्टीज नेम आ गया, लाइसेंस का जो टाइटल है वो भी आ गया, फिर इसमें स्टेटस जो है वो लिखा गया है कि बेल्ट है, और इसका जो लाइसेंस का एक्सपायर डेट वो भी कितने में है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, और इनके जो ऑफिस है ऑफिस का भी यहाँ पे शो कर रहा है, और ये इनका अगर कोई ब्रांच ऑफिस हो वो भी यहाँ पे शो करेंगे। अगर आप लोगों ने चाहते हैं कि उनके पास कितने विषय है और कौन से विषय है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 परमिशंस अवेलेबल, यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो आपको मिलेगा विषय का सारे डिटेल्स, कितना विषय है, विषय का सैलरी कितना है और कौन से कंट्री पे है, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद हो या अच्छे लगे हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों का चेक करना नहीं आते तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का चेक करके देने के लिए। थैंक्स फ्रेंड्स।